नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिलीशियस रेसिपी लेके आई दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें। भतुआ की कचौड़ी बनाई, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए मैं दिखाती हूँ, इसी तरह से खाइए, बहुत टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को हम कैसे बनाएं देखते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने भतुआ को बॉयल कर लिया है। देखिए अच्छी तरह से भतुआ को धो के फिर फ्री कुकर में डाल दिया है और दो सीटी लगाए ठंडा करके ले लिया है। भतुआ के पानी है जो हमें फेंकना नहीं, इस्तेमाल करेंगे, ले लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, पानी को निचोड़ना नहीं है। हमने दो हरी मिर्च काट के लिया है, वो डाल देंगे, अब पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने इसी तरह से पेस्ट बना लिया है, अब हटा देंगे। एक बर्तन ले लेंगे, गेहूं का आटा ले लेंगे, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। हम इस कप की मदद से 3 कप आटा ले लिया है। अब हम जो भतुआ पीस के रखा था वो डाल देंगे और थोड़ी सी बचा के रख देंगे, आगे बताऊंगी क्या करूंगी इसका। हमने 2 बॉईल करके आलू ले लिया है, ग्रेट करके ले लिया है, वो डाल देंगे। 1 टुकड़ा अदरक ले लिया है, ग्रेट करके डाल देंगे। अदरक को देखिए ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, धनिया पाउडर मिलाएंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच घी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खस्ता बनेगा। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो हमने पानी रखा था वो पानी डाल देंगे। हमें नरम आटा नहीं लगाना, टाइट आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा हम इसी पानी को डालेंगे, मिक्स करेंगे। देखिए हमने आटा लगा लिया है, देखिए कितनी टाइट आटा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि आटा हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक हमारी आटा रेडी हो रही है तब तक हम कचौड़ी के लिए सब्जी बना लेते हैं। पहले से हम कढ़ाई रख दिया गैस पे और 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे, 1 तेज़पत्ता तोड़ के डाल देंगे, तेज़पत्ता को थोड़ी सेकंड के लिए भून लेंगे। अदरक ग्रेट करके लिया है थोड़ी सी और 4-5 हरी मिर्च काट के लिया है, अदरक को डाल देंगे, 1 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हरी मिर्च को डाल देंगे, 1 सेकंड के लिए भून लेंगे। सॉरी दोस्तों, हींग डालना भूल गए थे, अब हींग डाल देंगे, आप डाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इस तरह से बना कर देखिए। 1 टमाटर बारीक कटी हुई वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटर को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम मसाले मिलाएंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 नमक मिलाएंगे। हम हरी मिर्च डाल चुके हैं इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मिक्स कर देंगे। 4-5 आलू ले लिया, बॉयल करके रखा था वो ले लिया, वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर दिया है। अब हम पानी मिलाएंगे, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, 1 बॉयल आने देंगे। देखिए सब्जी में हमारी बॉयल आ गई है। अब हम कवर करके 5 मिनट पका लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, ऊपर से कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। आप एक बार इस तरह से सब्जी बना के देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत कम मसाले में और झटपट बन जाती है सब्जी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हटा देंगे। चलिए अब आटा को चेक करते हैं। देखिए आटा हमारी बिल्कुल बढ़िया हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी सी मसल लेंगे, इसी तरह से थोड़ी सी हाथों में आटा लगा लेंगे,
और पूरी जैसे लोहे निकाल लेंगे इस साइज में। और एक दिखाती हूँ, इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमने इसी तरह से लोहे निकाल लिया है, अब हम हटा देंगे। अब हम बेल लेंगे, ऊपर से थोड़ी सी आटा लगा लेंगे, बेलने में आसानी हो। देखिए न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इसी तरह से हमें बेलना है। इसी तरह से हम सारे पूरी को बेल लेंगे। देखिए हमने बेल लिया है, अब गैस पे चलते हैं। पहले से ही हम गैस पे कढ़ाई रख दिया और ऑयल भी डाल दिया, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। थोड़ी सी डाल के चेक करेंगे। देखिए ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम पूरी को डाल देंगे। देखिए ऊपर आ गई है, पलट देंगे। इसी तरह से हमें पूरी को सेकना है। देखिए अब हम निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, दूसरा सेक लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ये भी हमारी रेडी हो गई है। हम निकाल लेंगे, इसी तरह से हम सारे पूरी को सेक लेंगे। देखिए दोस्तों कचौरी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम रायता बना लेंगे। एक कटोरी दही ले लिया है और एक मिक्सर जार ले लिया है, दही भी डाल दिया है। मिक्सर को दो बार चला लेंगे। देखिए हमने चला लिया और बहुत बढ़िया बनी है। देखिए ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथों से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, मिक्सर जार में बहुत जल्दी हो जाती है। हमने जो भतुआ रखा था वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। दोस्तों बताना भूल गई, थोड़ी सी पानी हमने डाला था जो दिखा नहीं पाए। अब हम मसाले मिलाएंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाएंगे, आधा चम्मच काला नमक मिलाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर देंगे। देखिए हमने मिक्स कर दिया है, अब गैस पे चलते हैं। हमने तड़का पैन ले लिया है और गैस पे चढ़ा दिया है, एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा हमारी रेडी है। अब हम हींग डाल देंगे। रायते में जब तक हींग ना हो तब तक तड़का नहीं होती। अब हम रायता के ऊपर डाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ऊपर से थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल देंगे, इससे और भी टेस्ट बढ़ जाता है। मिक्स कर देंगे। अब रायता हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों रायता और आलू टमाटर की सब्ज़ी और मिर्ची के अचार, भतुआ की कचौड़ी। देखिए आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपके परिवार वाले को बहुत ही पसंद आएगा और आपको तारीफ़ करेंगे। दोस्तों अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।